देखिए दोस्तों, एक कमल के आकार की पत्तियां निकाली गई हैं सूरज में, देखिए गुम्बद में इस तरह से काटते जा रहा है उसको छाप के। देखिए देखिए इस तरह से निशान लगा के एक काट लिए बीच बीच में, देखिए इस तरह से काट लिया। ये रही गुम्बद हमारी, इस पे कमल के आकार की पत्तियां निकल रही हैं। देखिए देखिए एक कट चुकी है इधर, ये अभी निशान लगा है, एक कटी नहीं है। देखिए देखिए एक कटी नहीं है, निशान लगा है अभी। देखिए दोस्तों इस तरह से निशान लगा है। इसके बनाने के लिए देखिए दोस्तों, पहले हम इसके लिए प्लास्टर कर लेंगे। एक गोल धार दिख रही है आपके लिए, देखिए इस तरह से एक गोल धार दिख रही है। इसको हमने करीब 4 इंची मोटा प्लास्टर किया हुआ है, प्लास्टर ये धार निकाली है देखिए लटका की, दिख रही होगी। एक केवल मसाला लगा है, कोई ईंटा ईंटा नहीं लगा है इसके लिए। हम इस तरह से बना लेते हैं, फिर इसे निशान लगाते हैं इसमें, मतलब इसे नाप नाप के एक से निशान लगा लेंगे आप। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से निशान लग जाएंगे, और फिर इसको सादा कटिंग कर देंगे इसकी हम, जिस तरह से ही आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए आपको दिख रही इस तरह से हमने सादा कटिंग कर लेनी है, ये आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ निशान लगाए थे वहाँ वहाँ हमने कटिंग कर ली है। कटिंग सादा कटिंग करने के बाद इसे पत्ती का आकार दे देते हैं। पत्ती का आकार देने के लिए देखिए बहुत ही सरल तरीके से, देखिए इस तरह से आपको दिख रही होगी हमारी यह पत्ती, देखिए बनकर तैयार है। ये हमारा शिखर बन रहा जा रहा है, देखिए देखिए हम आपको दिखाते हैं। पत्ती की तो रुक जाती, हम तो देख रहे थे कि 4 दिन होती। देखिए दोस्तों इस तरह से कटिंग हो रही है अपनी, देखिए दोस्तों इस तरह से कटिंग हो गई है इसकी। देखिए इस तरह से एक कटिंग होती जा रही है आगे के हिस्से की, देखिए कुछ इस तरह से